आज के इस वीडियो में हम बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने आलू की टिक्की तो खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे अरबी की चाट। बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी बनने वाली है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा किलो अरबी ली है। इस तरीके से हमें ये मीडियम साइज़ की अरबी लेनी है और उसके बाद में हम इन्हें कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे एक से दो सीटी आने तक उबाल लेंगे। तो देखिए, हमने इन्हें उबाल लिया है और उबाल करके इन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब हम इन्हें छील लेंगे। तो इन्हें हम केयरफुली धीरे धीरे इस तरीके से छील लेंगे और ये जो अरबी है वो अच्छे से उबली हुई होनी चाहिए, जिस तरीके से आलू उबले हुए होते हैं। तो ये सभी अरबी हमने छील ली है और अब हम लेंगे ये एक नॉन स्टिक पैन, आप तवे का यूज़ भी कर सकते हैं, और उसके बाद में हम इसमें डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पर लगभग एक बड़ा चम्मच तेल इसमें डाला है और उसके बाद में हम थोड़ा सा तेल हाथों पे लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर एक अरबी को इस तरीके से लेकर के हाथों के बीच से इस तरीके से हम दबा के टिक्की का शेप देंगे। इस तरीके से हम इसे चपटे से आकार का बना लेंगे और फिर हम इसे एक एक करके इस फ्राई पैन पर रख देंगे। और अब हम इन सभी टिक्की को बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल कम आंच पे हमें इन्हें एकदम क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना है। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से जब इन टिक्कियों का कलर आ जाएगा तब हम इन्हें पलट लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें इस तरीके से क्रंची हो जाने तक फ्राई करना है और उसके बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर का पाउडर डाला है इनके ऊपर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये नमक स्प्रिंकल किया है। बस आपको अमचूर और नमक ही डालना है, इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चटपटे टाइप का आएगा। और फिर हम इन्हें दूसरी तरफ से भी क्रंची हो जाने तक सेक लेंगे। बिल्कुल जिस तरीके से हम टिक्किया को सेकते हैं उसी तरीके से हमें इसे फ्राई करना है। बीच बीच में अगर आपको इसमें तेल की क्वांटिटी कम लगती है तो आप फ्राई करते वक्त तेल का यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रंची अरबी की टिक्की बनकर के तैयार है। ये जो टिक्की है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है, आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये अरबी को एक प्लेट में डाला है। और उसके बाद में हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद में हम इस पर डालेंगे थोड़े से हरे धनिया की चटनी। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़ी सी इमली की खट्टी मीठी चटनी और फिर हम इस पर डालेंगे ये थोड़ा सा दही। दही अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे ना भी डालें, बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़े से कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी हमने ये कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची और धनिया इस पर डाला है और फिर से थोड़े से हरे धनिया की चटनी और मीठी चटनी डाल करके हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हेल्दी एंड टेस्टी अरबी टिक्की चाट बन करके तैयार हैं। इसके ऊपर आप लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और आप इन्हें ऐसे सिंपल भी इस तरीके से टिक्की को हरे धनिया की चटनी और इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।